हेलो दोस्तों, चलिए आज के इस वाले वीडियो में हम आप लोगों को सिखाते हैं कि ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। आखिर वीडियो बनाना ही सब कुछ नहीं है मेरे दोस्त, कम से कम मोबाइल पकड़ने का स्टाइल कैसा होना चाहिए, मोबाइल कैसे पकड़ते हैं, ताकि हम जैसे अभी देखना, अभी एंगल मैं वीडियोज बना रहा हूँ, अब जस्ट अब आप देख सकते हो कि मैं कैसे मोबाइल रोटेट कर लेता हूँ, तो आप कैसे मोबाइल पकड़ोगे। तो मेरी वाइफ है, इनको मैं सिखाता हूँ लाइव रूप, तो आप लोग वीडियो देखना अच्छे से, आपको भी समझ में आएगा, ताकि अगर आप भी वीडियो स्टार्ट करना चाहो, ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहो, तो कैसे मोबाइल पकड़ते हैं प्रोफेशनल वाला तरीका। तो चलिए, अब ये मोबाइल इनका फ्लिप वाला कवर है, मोबाइल में तो दिक्कत हो रहा है दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में फ्लिप कवर है ये वाला कवर तो दिक्कत होगी वीडियो शूट करने में, जहाँ तक है तो वो वाला हो तो बेस्ट है। तो चलिए कवर निकाल दिया गया है। तो दोस्तों, आपको मोबाइल, ये आपका मोबाइल है, ध्यान से वीडियो देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिए अगर आपको कुछ सीखना है, ठीक है। तो ये आपका मोबाइल है, देख लीजिएगा। तो सबसे पहले लोग, बहुत से लोग गलतियाँ क्या करते हैं, फ्रंट कैमरा जो आगे का कैमरा होता है उससे ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको फ्रंट वाले कैमरे से वीडियो नहीं बनाना, क्योंकि जितने भी मोबाइल आते हैं उनका फ्रंट कैमरा उतना अच्छा नहीं होता जितना बैक वाला कैमरा होता है, ठीक। पहली बात तो क्लियर। और मोबाइल पकड़ेंगे कैसे, बहुत से लोग होते हैं ऐसे चालू कर देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, आपको ऐसे पकड़ना है, देखो ये वाले ऐसे पकड़ना है। अब बहुत अगर सामने दिखाना है तो ऐसे रोटेट भी कर सकते हो, ऐसे भी घुमा सकते हो, तो दोनों तरीका सही है। देखो आप समझ रहे हो ना, अब इसमें अब वो तो अपना अपना स्टाइल, अपना अपना हैंड है कि आप दाहिने हाथ से करो या बाएं हाथ से, जैसे भी आपको बेस्ट लगे, अपने हिसाब से अच्छा लगे वो कर सकते हो, लेकिन स्टाइल ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे भी पकड़ सकते हो, ये भी सही है, बढ़िया अपना मोबाइल जैसे ऐसे कर सकते हो, ऐसे। ये हो गया पहला तरीका। और कुछ ब्लॉगिंग के रिलेटेड टिप्स देता हूँ, वीडियो बहुत ध्यान से देखते रहिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती, लोग वीडियोज बनाने लगते हैं लेकिन अपने जो कैमरे का दोस्तों डिस्प्ले देखा करते हैं, इधर उधर झांका करते हैं। तो जब भी आप ब्लॉगिंग करिए, शुरू शुरू में मैं भी वही गलती करता था, तो आपको अपने जो मेन वाला कैमरा होता है उसको एकदम नॉर्मली देखना है, कोई घूरना नहीं है कि आप एकदम बहुत घूरने लगो, एकदम बढ़े नॉर्मली, जैसे कैमरे को अपना दोस्त मानना चाहिए, एकदम नॉर्मली देखो और कैमरे को ही देख के बात करना चाहिए। अगर आप इधर उधर देख के बात करोगे तो जो बंदा वीडियो आपकी देख रहा है उसको लगेगा कि मुझसे नहीं बात कर रहा, वो इधर उधर बात कर रहा है, तो उसी को ब्लॉगिंग के इसमें लैंग्वेज में बोलते हैं आई कॉन्टैक्ट, यानी टेक की भाषा में आई कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो ये गलतियाँ आप ना करें, यानी कि अपने कैमरे को ही देखें, ठीक। ये हो गई सेकंड गलती। अब थर्ड गलती बताता हूँ, बहुत से लोग करते क्या, ठीक है। और सब जितने भी ब्लॉगर हैं, जितने भी नए क्रिएटर हैं, जितने भी लोग नए आते हैं वीडियोज बनाने लगते हैं, वो गलती क्या करते हैं आप लोगों को पता नहीं होता। ये मान लो कि फेस जिस टाइप से रोशनी पड़ रही हो, मान लो कि अभी सूर्य सामने से हो, तो जाहिर सी बात है रोशनी पीछे ही पड़ेगी, तो आपको वीडियो जैसे मैं शूट कर रहा हूँ ऐसे ही करना चाहिए। अगर इधर से रोशनी पड़ रही है, जिस टाइप की रोशनी, यानी कि इधर से पड़ रही है, तो ऐसे आप कैमरे का अगर वीडियो बनाओगे, शूट करोगे, एकदम बढ़िया साफ क्लियर ब्लॉग आएगा, वीडियो एकदम क्लियर आएगी। लेकिन जो लोगों को पता नहीं होता, वो लोग पहले जैसे मैं करता था कि इधर से भी चालू बनाने लगा, उधर से, अभी ही दिखाऊँ रिजल्ट आपको, देखिए अभी वीडियो कैसी आ रही होगी, अभी देखना, थोड़ा सैंपल दिखा रहा हूँ आपको, ये वाली वीडियो देखोगे एकदम अलग हो गई होगी। तो ये वाला एग्जांपल आपको मैंने लाइव प्रूफ दिखा भी दिया। तो दोस्तों, लास्ट वाला पॉइंट ये है कि जब भी आप ब्लॉगिंग करिए तो एकदम आपका कूल, आपका माइंड जो है कूल होना चाहिए, मुस्कुरा कर एकदम बात करना चाहिए, यानी कि सामने वाले को लगे कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, ये नहीं कि एकदम गुस्सा। कभी कभी मेरा फेस ऐसा हो जाता है कि गुस्सा हूँ इधर उधर टेढ़ा, तो सामने वाला भाई यार लगेगा एकदम गुस्सा उसको लगेगी। तो ये गलती आप ना करें, नहीं इससे आपका ब्लॉग बेकार हो जाएगा, वीडियो एकदम बोर हो जाएगी, यानी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, व्यूज नहीं आएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो अगर आप सुधार लोगे तो आप बड़ा यूट्यूबर बन सकते हो, अपनी वीडियो वायरल करा सकते हो। अगर वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मिलता हूँ एक और ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, बाय।